हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेशन नंबर 41 ऑफ वर्ड पावर मेड इजी। तो सेशन प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 14 का सेशन नंबर 41। हमने अभी तक इस वीडियो सीरीज में ये पूरी जो प्लेलिस्ट है आपकी वर्ड पावर मेड इजी की समरी की, इसमें हमने अभी तक सेशन नंबर 40 तक के जो सेशंस हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। ये 41st चैप्टर का आपका ये वीडियो है। तो इस वीडियो के बाद हम पार्ट 14 कवर कर लेंगे और कल से आपको पार्ट 15 के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। आप मेरे बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं। आई हैव बीन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी सिंस फरवरी 2017। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2016 एग्जामिनेशन एंड आई हैव आल्सो बीन ऑडिटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीएचएसएल 2015 एंड आई हैव बीन फॉर्मर फैकल्टी इन माई पाठशाला। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके पहले जब मैं आपको बताऊं अपने वीडियो के बारे में, इससे पहले आपको अनअकैडमी प्लस पर अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, ये पूरे जून महीने में चलेगा, तो जून में आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एरर डिटेक्शन का कोर्स है, ये 1 जून से शुरू हो रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोर्स है, ये आपका 8 जून से शुरू हो रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोर्स है, ये 15 जून से शुरू हो रहा है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स है, ये 23 जून से शुरू हो रहा है। इन सारे बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा AMANT, जिससे आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप फर्दर डिस्काउंट चाहते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी अगर क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन और एनी अदर। ठीक है, चलिए तो बात शुरू करें आज की वीडियो की। उसके पहले आप अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सारे ही टीचर से पढ़ पा सकते हो, जितने भी टीचर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसके बाद आप सारे ही टीचर्स की क्लासेस दे सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस ले सकते हैं। यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन एट 5400 एंड 6 month सब्सक्रिप्शन एट 4320 एंड द रेफरल कोड यू नीड टू अप्लाई इज AMANT। ऑलराइट, अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का ID है @AmanTrivedi, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सेशन का PDF आपको 3 से 4 घंटे के बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस सेशन की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक पिन है। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट कॉमन फिनोमिना एंड अकरेंस, कि आप नॉर्मल कॉमन फिनोमिना जो चलते हैं, आपके आसपास हो रहे हैं, इनके बारे में कैसे बात करें और जो भी आपके आसपास होता है इसके बारे में आप कैसे बात करें। आज के सेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके आज सेशन को। पहला जो हमारा आज का रूट वर्ड है, दैट इज ओडिन, या फिर ओडिन आपको याद होगा, ओडिन किस में था, थॉर में। तो ओडिन का मतलब होता है पेन, एंड दैट मैन वॉज रियली पेन। ठीक है, तो ओडिन का मतलब हो गया पेन, और AN का मतलब हो जाता है निगेटिव प्रीफिक्स, यानी कि अगर किसी शब्द की शुरुआत में AN लगा हुआ है तो उसका मतलब हो गया दैट इज अ निगेटिव प्रीफिक्स, वो निगेटिव अर्थ को इन्फर करेगा। और ओडिन का मतलब हो जाता है पेन। अब देखिए इससे शब्द क्या बनता है, आपका शब्द बनता है एनोडिन का मतलब हो जाता है आपका अनलाइकली टू ऑफेंड एनीवन और कॉज देम टू डिसएग्री, यानी कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट या ऐसा वक्तव्य या ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे कोई ऑफेंड नहीं हो और कोई डिसएग्री भी ना करे, ऐसे एनोडिन उसे कहते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपके ये इस शब्द का मीनिंग, वो है आपका इसका नाउन, और उसका मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ रिलीविंग पेन। तो एनोडिन का मतलब हो जाता है आपका कि जो पेन को रिलीव करे। आपको याद हो, अगर आपको पता हो तो एक टूथपेस्ट आता है, आपने उसका एड खूब देखा होगा, सेंसोडाइन। नाउ यू कैन सी दिस प्रीफिक्स इन दिस, सेंसोडाइन मतलब इस पेन को ये रिलीव करेगा, राइट, इसीलिए उन्होंने उसका नाम सेंसोडाइन रखा है। तो एनोडाइन का मतलब हो गया कैपेबल ऑफ रिलीविंग पेन, जो दर्द निवारक हो, ठीक है, उसे कहेंगे एनोडाइन। सिनोनिम्स आप याद रख सकते हैं बिनाइन, हार्मलेस, हर्टलेस, या फिर इनोसेंट या इनोकस। इसके अलावा एंटोनिम्स आप याद रख सकते हैं एडवर्स, बैड, बेलफुल, बेनफुल, डैमेजिंग एंड डेंजरस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं द इंट्रोडक्शन इन बोथ बुक्स आर एनोडाइन एंड ब्रीफ, यानी कि ऐसा है कि जिससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा और बहुत ही ब्रीफ है। ठीक है,
एनोडीन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थेरेपी जिसमें आपको पेन से दर्द से निवारक छुट्टी मिलती है. ठीक है, एनोडीन को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो ये गाना, आपने सुना होगा, दर्द दिलों के कम हो जाते एनोडीन अगर हमें मिल जाते. तो एनोडीन मतलब पेन रिलीवर. ठीक है, समझ में आ गया, याद रहेगा, क्लियर है. पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कैसा लगा. अगला आपका हो जाता है जो सफिक्स प्रीफिक्स है, जो रूट वर्ड है, दैट इज बोविस. बोविस का मतलब हो जाता है ऑक्स या फिर काओ. और आई एन ई अगर किसी में सफिक्स लग रहा है, आई एन ई अगर किसी में सफिक्स लग रहा है तो उसका मतलब होता है लाइक या फिर सिमिलर टू. ठीक है, क्या मतलब, काओ. इससे वर्ड क्या बना आपका, बोवाइन. बोवाइन का मतलब क्या हो जाता है, बोवाइन का मतलब होता है डल एंड स्लो मूविंग एंड स्टोलिड लाइक एन ऑक्स. यानी कि जो डल है, स्लो मूविंग है और बहुत ज़्यादा बहुत धीरे 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 काम करता है, काइंड ऑफ स्टूपिड है और बहुत धीरे धीरे काम करता है, उसे कहते हैं बोवाइन. फॉर एग्जाम्पल, शी स्टेयर्ड एट अस विद अ स्टूपिड बोवाइन एक्सप्रेशन. वो उसने हमारी तरफ एक बोवाइन एक्सप्रेशन के साथ में देखा, दैट इज वेरी स्लो, वेरी डल एंड स्लो मूविंग. ठीक है, याद रखने के लिए आप सिंपली याद रख सकते हो, ये गाना आपको पता होगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. ठीक है, सो क्या वो बोवाइन है क्या जो इतना धीरे धीरे आएगी, तो बोवाइन मतलब स्लो एंड डल. क्लियर है, याद रहेगा. ठीक है, जस्ट अ वे टू रिमेंबर, आपको उतना हो सकता है रिलेट ना कर रहा हो, बट डल एंड स्लो मूविंग के लिए आप इसे याद रख सकते हो. पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अगला हो जाता है आपका वर्ड लियो. तो लियो आपको पता होगा, आप में से कई लोगों का जोडिक साइन साइन भी होगा लियो, अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. लियो का मतलब हो जाता है लायन. ठीक है, और आई एन ई अगर किसी में सफिक्स लगेगा तो मतलब हो जाता है लाइक या फिर सिमिलर टू. ठीक है, लाइक या फिर सिमिलर टू. क्लियर, वर्ड क्या बना आपका, लियोनाइन. लियोनाइन का मतलब हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और रिजेंबलिंग अ लायन, यानी कि लायन जैसा, उसे कहते हैं लियोनाइन. यानी कि शेर जैसा, उसे कहेंगे लियोनाइन. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं हिज गोट लाइक लोअर बॉडी हाउ एवर हैड हूव्स एंड अ लॉन्ग लियोनाइन टेल, यानी कि शेर जैसी पूंछ थी उसकी. तो लियोनाइन मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और रिजेंबलिंग अ लायन. ठीक है, तो याद रखने के लिए सिंपली आप याद रख सकते हो सिंघम मूवी में द कैरेक्टर ऑफ अजय देवगन इज लियोनाइन. ठीक है, मतलब शेर जैसा दिखाया गया है. ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा क्या हो जाता है, कैनिस. कैनिस का मतलब क्या है, डॉग. आई एन ई का मतलब क्या हो गया, लाइक या फिर सिमिलर टू. ठीक है, सो कैनाइन वर्ड क्या है आपका, कैनाइन. कैनाइन का मतलब हो जाता है कनेक्टेड विद डॉग्स, यानी कि कुत्तों से रिलेटेड, डॉग्स से रिलेटेड, उसे कहते हैं कैनाइन. आप में से जो बायोलॉजी वाले होंगे उन्हें पता होगा कैनाइन आपके दांत में, आपके मुंह में टूथ भी होते हैं, दांत भी होते हैं, टीथ भी होते हैं, उन्हें भी हम कैनाइन कहते हैं. ठीक है, जो आपके नुकीले दांत होते हैं उन्हें कैनाइन कहा जाता है. कमेंट सेक्शन में बताना हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन आवर माउथ. ठीक है, बताइएगा. सिनोनिम याद रख सकते हैं डॉग, डॉगी या हाउड या पूच या टाइक. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर शी इज अ स्पेशलिस्ट इन कैनाइन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर. ठीक है, सो कैनाइन याद रख सकते हो. ठीक है, कबीर सिंह की प्रीति, मतलब इसका नाम भी प्रीति था, सो कैनाइन. गॉट इट. चलिए अगला वर्ड है आपका फेलिस. फेलिस का मतलब क्या हो जाता है, कैट. और आई एन ई का मतलब क्या हो गया, लाइक और सिमिलर टू. तो वर्ड क्या है आपका, फेलाइन. फेलाइन का मतलब हो गया लाइक अ कैट कनेक्टेड विद एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, यानी कि बिल्ली जैसा या बिल्ली की फैमिली से रिलेटेड, कैट फैमिली से रिलेटेड या कैट जैसा. सिनोनिम याद रख सकते हैं अजाइल, फीटली, ग्रेसफुल, ग्रेसाइल, लाइट या लाइट फुटेड. क्यों ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके, क्योंकि आपको पता है बिल्ली बहुत तेज भागती है, तो दैट इज अ बहुत ही अजाइल होती है, फुर्तीली होती है. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑकवर्ड, क्लम्जी, गॉकी, ग्रेसलेस एंड क्लूजी. ठीक है, शी वॉक्स विद अ फेलाइन ग्रेस, यानी कि शी वॉक्स लाइक कैट. ठीक है, दैट इज अ शी वॉक्स विद फेलाइन ग्रेस. सो फेलाइन आप याद रख सकते हो ईजिली. चलिए अगला वर्ड आ जाता है आपका पोर्कस. पोर्कस मतलब हो जाता है पिग और आई एन ई मतलब सिमिलर टू. तो वर्ड आपका आता है पोर्शाइन. पोर्शाइन मतलब हो गया लाइक अ पिग और कनेक्टेड विद पिग्स, यानी कि पिग्स से रिलेटेड या पिग्स जैसा, उसे कहेंगे पोर्शाइन. सिनोनिम हो जाएंगे ग्रॉश, ग्रॉस, हॉगिश, पिगिश, पिगी या स्विनिश. और एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं द चिल्ड्रेन कंटिन्यू टू फाइट ओवर द लेफ्ट ओवर सूप विद अ ट्रफ ऑफ स्लोप. ठीक है, द पोर्साइन चिल्ड्रेन. ठीक, क्लियर. सो पोर्साइन यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस. अगला हो जाता है आपका वर्ड वल्पस. वल्पस का मतलब हो गया फॉक्स और आई एन ई मतलब सिमिलर टू. तो वर्ड आता है आपका वल्पाइन. वल्पाइन का मतलब हो गया ऑफ और लाइक अ फॉक्स,
ये सारे के सारे वर्ड जितने भी मैं बता रहा हूँ एसएससी सीजीएल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके पूछे जा चुके हैं. सो दैट्स व्हाई दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ और लाइक अ फॉक्स, ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? नेचुरल, नॉबल, सबलाइन. और एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं आप, समटाइम्स वन केम नियर टू माई विंडो अट्रैक्टेड बाई माई लाइट बार्क्ड अ वल्पाइन कर्स एट मी एंड देन रिट्रीटेड. ठीक है, चलिए. सो वल्पाइन याद रख सकते हो, रिलेटेड टू फॉक्स. ट्विलाइट मूवी आपको याद होगा, इसमें कई सारी फॉक्स हुआ करती थी. ठीक है, अगला है आपका अर्सस. अर्सस का मतलब हो जाता है बियर. तो आई एन ई मतलब सिमिलर टू. वर्ड आता है आपका अर्साइन. अर्साइन का मतलब हो जाता है कनेक्टेड विद बियर्स लाइक अ बियर. ठीक है, यानी कि भालू से रिलेटेड और भालू जैसा क्या कहलाएगा आपका अर्साइन. एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं, शी डिस्कवर्ड एट दैट मोमेंट अ बॉन्ड बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज अर्साइन ब्रदर्स एंड डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू प्रोटेक्टिंग देम. ठीक है, सो अर्साइन मतलब आपका भालू जैसा. नेक्स्ट है आपका ल्यूपस. ल्यूपस इज वुल्फ और आई एन ई सिमिलर टू. वर्ड आ जाता है आपका ल्यूपाइन, मतलब लाइक अ वुल्फ, इज कनेक्टेड विद वुल्फ और वुल्फ्स उसे कहते हैं, यानी कि लोमड़ी से रिलेटेड, वुल्फ से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड ल्यूपाइन. एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं, वेयरिंग अ ल्यूपाइन स्किन दे केम रनिंग, दे कैन रन रन एज वुल्फ्स, फ्री एज मूनलाइट इन द नाइट. अगला वर्ड आता है आपका इक्वस. इक्वस इज हॉर्स और आई एन ई मतलब सिमिलर टू. वर्ड क्या हुआ आपका? इक्वाइन. इक्वाइन का मतलब हो जाता है कनेक्टेड विद हॉर्सेज लाइक अ हॉर्स, यानी कि हॉर्स जैसा या हॉर्स से कनेक्टेड, इसे कहलाएगा इक्वाइन. एग्जाम्पल है शी हैज अ लॉन्ग इक्वाइन फेस, यानी कि शी हैज अ लॉन्ग हॉर्स लाइक फेस. ठीक है, अगला है आपका पिसिस. पिसिस हो जाता है फिश. पिसाइन आई एन ई हो जाएगा, इसी से वर्ड बनेगा आपका पिसाइन. पिसाइन का मतलब होता है ऑफ और रिलेटेड टू फिश, यानी कि फिश जैसा इज कॉल्ड पिसाइन. इसी से वर्ड बना पिसीकल्चर, मतलब मछली पालन, तो पिसाइन पिसीकल्चर इसी से बनता है. एग्जाम्पल के तौर पे वर्किंग विद पिसाइन शेप्स गेव हिम द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड डिफिकल्ट कॉम्पाउंड कर्व्स. सो पिसाइन के लिए आप याद रख सकते हो, आप में से बहुत सारे लोगों की इसका जोडेक साइन होगा पीसेस. पीसेस मतलब जो आप पीसेस का जो साइन होता है वो क्या होता है? फिश होता है, राइट? क्लियर. चलिए नेक्स्ट है आपका नोस्टस. नोस्टस का मतलब हो जाता है रिटर्न, अ रिटर्न. और एल्गोस मतलब हो जाता है पेन. एल्गोस मतलब पेन, नोस्टस मतलब रिटर्न. अब वर्ड क्या आता है आपका? नॉस्टैल्जिया, मतलब रिटर्न का पेन. समझे? मतलब अ सैड फीलिंग मिक्स्ड विद प्लेजर व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट. यानी कि जो आप पूरा पास्ट की कुछ अच्छी बातों को याद करते हैं और आपको एक दुख सी भावना होती है कि यार कैसे मिस हो गया ये सब, अभी होता तो कितना अच्छा होता. तो वो जो फीलिंग है दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे शी इज फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया फॉर हर ओन कॉलेज डेज. यानी कि आपको अपने कॉलेज की जब दिनों की जब याद आती है तो आपको नॉस्टैल्जिया होता है, आपको उन दिनों को याद करके बहुत अच्छा सा लगता है, और जो फीलिंग है दैट इज बेसिकली कॉल्ड नॉस्टैल्जिया. और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? नॉस्टैल्जिक. ठीक है, सो नॉस्टैल्जिया के लिए आप याद रख सकते हो, आप में से बचपन में कुछ लोगों ने ये खेला होगा ये वाला ब्रिक गेम. तो दिस इज, जब आप इसे याद करते हो तो आपको वो चीज, वो यादें आपकी ताज़ा होती है ना, तो जो फीलिंग आपके मन में इस समय आ रही है इसी को हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया. ठीक है, अगला वर्ड एल्गोज मतलब पेन. तो इसी से वर्ड बनता है आपका न्यूरेल्जिया. न्यूरेल्जिया मतलब हो जाता है अ शार्प पेन फेल्ट अलोंग अ नर्व स्पेशली इन द हेड और फेस. सो दिस इज आपका न्यूरेल्जिया. यहाँ पर जो पेन होता है दिस इज कॉल्ड न्यूरेल्जिया. सो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया स्पेशली ऑफ द लेफ्ट साइड. ठीक है, अगला क्या है आपका? कार्डिया. कार्डिया मतलब होता है हर्ट और एल्गोस मतलब होता है पेन. तो वर्ड क्या आएगा आपका? कार्डियालजिया. कार्डियालजिया मतलब पेन इन द हर्ट, यानी कि आपके दिल में दर्द होता है, तो दैट इज कार्डियालजिया. ठीक है, उसी से कहते हैं कार्डिक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक. सो फिजिशियन एग्जामिन्ड हिम बिकॉज ऑफ कार्डियालजिया एंड सजेस्टेड रेफरल टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट मतलब, लॉजिस्ट मतलब हो जाता है एक्सपर्ट, कार्डियो मतलब हर्ट, यानी कि हर्ट एक्सपर्ट के पास. बट दिस ही एब्सोल्यूटली रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया. ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर कार्डियालजिया विद दिस. ठीक है, उसको किडनी में हार्ट अटैक आया, यानी कि उसको क्या है? कार्डियालजिया हुआ है, राइट? इफ यू रिमेंबर दिस मीम, जस्ट लाइक द सेशन. ठीक है, अगला वर्ड आपका क्या है? कैकोस. कैकोस मतलब होता है बैड और फोन मतलब होता है साउंड. तो वर्ड हमारा बनता है कैकोफोनी. कैकोफोनी मतलब एडजेक्टिव है आपका और मीनिंग हो जाता है अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड. बहुत
खराब आवाज, जो कर्कश ध्वनि जो होती है उसी को हम कहते हैं कैकोफोनी। सिनोनिम हो जाएगा नॉइस, रैकेट, रैटल या फिर रोर। और एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट साइलेंस, साइलेंटलेस, साइलेंटनेस, स्टिल, दैट इज कॉल्ड एंटोनिम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अ कैकोफोनी ऑफ वॉइसेस इन अ डजन लैंग्वेजेस फिल्ड द ट्रेन स्टेशन, यानी कि बहुत जो शोर शराबा था उसने ट्रेन स्टेशन को आवाज से भर दिया। ठीक है, सो कैकोफोनस आप याद रख सकते हो। आप में से जिन लोगों ने फ्रेंड्स देखा है, सेशन को लाइक जरूर करना और बताना कमेंट्स में कि अगर आपको याद आया कैकोफोनस क्या है। सो दिस कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड्स वर नेम्ड जैस्मिन, जैस्मिन जो थी, एंड उस जब भी वो स्क्रीन पे आती थी एंड हर हर मशीन गन लाइक फायर लाइक लाफ्टर दैट यूज टू बी वेरी कैकोफोनस, राइट, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छी वेब सीरीज है, टीवी सीरीज है बेसिकली। अगला वर्ड है आपका टेलीफोन। तो टेलीफोन आप सभी को पता है, आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें मुझे कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अगला आपका प्रीफिक्स है ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड और फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, वर्ड क्या बनता है आपका ईयूफोनी। ईयूफोनी, ईयूफोनी का मतलब क्या हुआ, द क्वालिटी इन वर्ड्स और साउंड्स ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू लिसन टू। ठीक है, यानी कि शब्दों की ऐसी क्वालिटी जिसे सुनने का मन करे उसे कहते हैं यूफोनी। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे क्वाइट, साइलेंस, साइलेंटलेस या फिर स्टिल। और एंटोनिम हो जाएगा नॉइस, रैकेट, रैटल, रोल, कैकोफोनी। तो सच यूफोनी इज हार्ड टू रेजिस्ट, ऐसी मधुर आवाज को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो यूफोनिक इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, यूफोनिक। सो यूफोनी आप याद रख सकते हो सिंपली, जो भी अच्छी मधुर संगीत होता है, जो अच्छा संगीत है, दैट इज यूफोनी। ठीक है, अगला ही फोन से ही वर्ड आता है हमारा फोनोग्राफ। तो ग्राफ मतलब होता है आपका लिखना और फोनो मतलब साउंड। तो फोनोग्राफ इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ प्लेइंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू लिसन टू म्यूजिक ऑन देम। फोनोग्राफ आप लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखे होंगे, ही पुट अ डिस्क ऑन द फोनोग्राफ, जो इस तरीके की डिवाइस होती थी, दिस इज कॉल्ड फोनोग्राफ। ठीक है, अगला वर्ड आपका फोन से ही आता है सैक्सोफोन। सैक्सोफोन इज ऑल्सो एडजेक्ट, इज अ नाउन बेसिकली, इट्स नॉट एन एडजेक्टिव, इट्स अ नाउन। और मीनिंग हो जाता है अ मेटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, यूज्ड स्पेशली इन जैज एंड डांस म्यूजिक। तो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सैक्सोफोन। ही वॉज जैमिंग विद हिज सैक्सोफोन। ठीक है, सैक्सोफोनिक इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हो शाहरुख खान इज प्लेइंग सैक्सोफोन हियर। ठीक है, चलिए अगला है आपका ज़ाइलन। ज़ाइलन हो जाता है वुड, लकड़ी, और फोन हो जाता है साउंड। तो वर्ड आपका क्या बना, ज़ाइलोफोन। ज़ाइलोफोन का मतलब हो गया अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ टू रोज ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स दैट यू हिट विद टू स्मॉल ब्रिक्स। तो ज़ाइलोफोन क्या हुआ, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि दो तरीके की, मैं आपको दिखा देता हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ज़ाइलोफोन इन द बैकग्राउंड इज एडमिटेडली क्वाइट सूदिंग। तो दिस इज ज़ाइलोफोन बेसिकली, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके का, इसी को हम ज़ाइलोफोन कहते हैं। अगला वर्ड आपका आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज अ नाउन, मतलब हो जाता है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। फोनेटिक्स मतलब जो साउंड है इनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसकी जो आपकी विज्ञान है इसी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। शी इज एन अथॉरिटी ऑन फोनेटिक्स, यानी कि उसकी फोनेटिक्स उसे बहुत अच्छे से आती है। एडजेक्टिव हो जाएगा फोनेटिक, नाउन विल बी फोनेटिशियन, कॉमन नाउन जो है फोनेटिशियन हो जाएगा। तो शब्दों को प्रोनाउंस करने का जो 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 विज्ञान है दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। अगला है फोनिक्स। फोनिक्स इज अ मेथड ऑफ टीचिंग पीपल टू रीड बेस्ड ऑन द साउंड दैट लेटर रिप्रेजेंट, यानी कि फोनिक्स आपको बताता है कौन सा शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ फोनिक्स एंड देर आर लॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है, किसी शब्द को हमें प्रोनाउंस कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड फोनिक्स। अगला वर्ड है आपका कार्निस। कार्निस इज अ रूट वर्ड, मतलब हो जाता है फ्लैश। बोरवो का मतलब हो जाता है टू डिवाउर। ठीक, तो वर्ड आपका क्या आता है, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब हो गया ईटिंग मीट और कंसिस्टिंग ऑफ मीट, यानी कार्न मतलब फ्लैश, वोर मतलब टू डिवाउर, ईट करना, खाना। तो जो फ्लैश को खाए यानी कि जो मांसाहारी है, जो मीट खा लेता है, दैट इज कार्निवोरस। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, हर्बीवोरस। फॉर एग्जाम्पल रोज इज एक्सट्रीमली कार्निवोरस एंड ऑब्वियसली फ्लैश ईटर। ठीक है, एंड नाउन विल बी कार्निवोर। ठीक है, तो कार्निवोरस याद रख सकते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन है दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। अगला वर्ड आता है आपका हर्बा। हर्बा इज अ हर्ब एंड वोरो इज अ मीन्स टू डिवाउर।
फोरो का मतलब हो जाता है टू डिवाउर, ठीक है, तो वोरो का मतलब हो जाता है आपका डिवाउर। अब इसी से वर्ड क्या आता है आपका हर्बी वोरस, तो हर्बी मतलब हर्ब्स, वोरस मतलब टू डिवाउर, मतलब जो प्लांट्स को खाए, जो आपके हु कैन ईट प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बी वोरस, ठीक है। अगला वर्ड क्या आ जाता है आपका एंटोनिम, एंटोनिम इज अ कार्निवोरस, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका कार्निवोरस, जो फ्लैश को खाएगा ही इज कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल द कैमल इज अ हर्बीवोरस एनिमल, यानी कि कैमल एक हर्बीवोरस एनिमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स को खाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है, गॉट इट। चलिए और हर्बीवोरस नाउन क्या हो जाएगा हर्बीवोर, यानी द वन हु ईट्स वेजिटेरियन ओनली, तो हर्बीवोरस याद रख सकते हैं इजिली है, आप हर्बीवोरस हैं आप कार्निवोरस हैं आप खुद डिसाइड करके याद रख सकते हैं। अगला वर्ड हो जाता है आपका ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोरो का मतलब हो जाता है टू डिवाउर, सो ओमनीवोरस मतलब हो गया एडजेक्टिव है, मीनिंग हो गया ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्पेशली बोथ प्लांट्स एंड मीट, यानी कि जो प्लांट्स भी खा ले मीट भी खा ले उसे हम कहते हैं ओमनीवोरस, समझ आया। तो ओमनीवोरस का मतलब होगा जो प्लांट्स भी खा ले और मीट भी खा ले उसे कहते हैं ओमनीवोरस। एग्जाम्पल के तौर पर ब्राउन बियर्स आर ओमनीवोरस ईटिंग एनी थिंग दैट दे कैन ईट गेट दियर पॉन्स, यानी ऑन, यानी कि उन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो आप में से कुछ लोग भी ओमनीवोरस होंगे जो नॉन वेजिटेरियन भी होंगे और वेजिटेरियन भी होंगे। नाउन इज अ, इसका नाउन हो जाएगा ओमनीवोर, ठीक है, इजी है ये भी। अगला आता है वोरेशियस, वोरेशियस मतलब हो गया ईटिंग और वांटिंग टू ईट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसे हम कहते हैं वोरेशियस, ही इज अ वोरेशियस ईटर, ही इज अ वोरेशियस ईटर का मतलब हो गया कि वो बहुत खाता है, हु वांट्स टू ईट अलॉट। सिनोनिम हो जाएगा इडेशियस, एस्यूरियंट, ग्लटनस, ग्रीडी एंड हॉगिश एंड पिगिश, उसे हम कहेंगे आपका वोरेशियस। तो वोरेशियस का मतलब हो गया द वन हु ईट्स अलॉट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम कहते हैं वोरेशियस। एग्जाम्पल के तौर पे पिक्स आर वोरेशियस फीडर्स, यानी कि पिक्स क्या हैं, दे आर वोरेशियस फीडर्स, वो वोरेशियस फीडर हैं यानी कि बहुत अधिक खाते हैं, दैट्स वाई उन्हें हम कहेंगे आपका वोरेशियस, ठीक है। तो वोरेशियस आप याद रख सकते हैं इस तरह इस इमेज से याद रख सकते हैं आप वोरेशियस, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आपका क्या है ओमनी, ओमनी का मतलब क्या है ऑल, और पोटेंस का मतलब हो जाता है पावरफुल, ठीक है। तो वर्ड क्या आता है आपका ओमनी पोटेंट, तो ओमनी पोटेंट मतलब जिसके पास सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत सर्वशक्तिमान कौन है गॉड। तो ओमनीपोटेंट का मतलब हो जाता है बेसिकली गॉड, द वन हु इज ओमनीपोटेंट, जिसके पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, ठीक है, क्लियर। सो ओमनीपोटेंट आप याद रख सकते हैं, सिनोनिम हो जाएगा ऑल पावरफुल, ऑल माइटी एंड डिवाइन, ठीक, और एंटोनिम हो जाएगा इम्पोर्टेंट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मनी इज नॉट ओमनीपोटेंट बट वी कांट सर्वाइव विदाउट मनी, यानी कि मनी ओमनीपोटेंट नहीं है बट हम मनी के वगैरह सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाता है ओम, नाउन क्या हो जाएगा ओमनीपोटेंस। अगला वर्ड हमारा क्या है ओमनी का मतलब हो जाता है ऑल, अगला वर्ड हमारा क्या है ओमनी, ओमनी का मतलब हो जाता है ऑल, और साइंस का मतलब हो जाता है नोइंग। तो वर्ड आता है आपका ओमनीसेंट, ओमनीसेंट इज एन एडजेक्टिव, मीनिंग हो जाता है नोइंग एवरीथिंग, जिसे सब पता है, ठीक है, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं हमें सब पता है तू ना पका मत, यानी कि ही इज ओमनीसेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नॉवल हैज एन ओमनीसेंट नैरेटर, यानी कि नॉवल में एक ओमनीसेंट नैरेटर है जिसे सब कुछ पता है ऑलरेडी। अगला है ओमनी मतलब ऑल, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो जाता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान है, यानी कि कौन गॉड, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट हो गया यूबिकिटस, यूनिवर्सल, वॉल टू वॉल, या जो हर जगह विद्यमान है। दीज डेज द मीडिया आर ओमनीप्रेजेंट, मीडिया आजकल हर जगह विद्यमान है। अगला वर्ड आता है आपका यूबिक, यूबिक इज अ एवरीवेयर, ठीक है। वर्ड क्या है आपका यूबिकिटस, यूबिकिटस का मतलब हो जाता है सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम, वेरी कॉमन, यानी कि जो कई जगह एक ही समय पर विद्यमान है उसे यूबिकिटस कह सकते हैं, ओमनीप्रेजेंट इसे याद रख सकते हैं, कॉमन, कॉमन प्लेस, एवरीडे, क्वोटिडियन, रूटीन, यूजुअल। सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनफ्रीक्वेंट, रेयर या सेल्डम। सुगर इज यूबिकिटस इन द डाइट, यानी कि सुगर हर जगह प्रेजेंट है आजकल डाइट में। नाउन विल बी यूबिकिटी,
ठीक है। सो आपको याद होगा कि असुर मूवी में, असुर वेब सीरीज में एक सीन होता है जिसमें आपका, जिसमें उसकी वो कॉल ट्रेस करता है, तो अलग अलग तरीके से जगह से सर्वर मिलता है, तो दैट वॉज यूबिकिटस, यानी कि वो हर जगह व्याप्त था। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका ओमनी का मतलब ऑल, ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब हो गया प्रोवाइडिंग फॉर मैनी थिंग्स एट वंस, यानी कि एक समय पर कई सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है, उसे ओमनीबस कहेंगे। सिनोनिम हो जाएगा कंपेंडियस, आपका कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, कवर ऑल, साइक्लोपेडिक, एम्ब्रेसिव या इनसाइक्लोपेडिक। एंड एग्जाम्पल हो जाएगा ओमनीबस एडिशंस ऑफ नॉवल, नॉवल्स टेंड टू बी टू हैवी टू रीड विद कम्फर्ट। ठीक है, अगला है आपका वेले, वेले मतलब होता है फेयरवेल या गुड बाय। वर्ड है आपका कार्निस, कार्निस मतलब फ्लैश। कार्नेलियन, कार्नेलियन मतलब हो जाता है रेड ब्राउन और वाइट स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी, इज कॉल्ड कार्नेलियन। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैज बीन कार्नेलियन विच ओज इट्स रेडिश कलर टू बी द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो इस तरीके के जो पत्थर होते हैं इन्हें कार्नेलियन कहते हैं। ठीक है, अगला है कार्निस फ्लैश। कार्नल मतलब हो जाता है कनेक्टेड विद बॉडी, तो अर्थ बॉर्न, अर्थ बाउंड, अर्थ फ्लैशी या फिर मटेरियल, मंडेन। एंटोनिम हो जाएगा हेवनली, नॉन टेम्पोरल, अनअर्थली या अनवर्ल्डली। ठीक है, तो जो बॉडी से कनेक्टेड है उसे कहते हैं कार्नल, जैसे कि ही इज रनिंग बिहाइंड कार्नल प्लेजर, यानी बॉडीली प्लेजर। ठीक है, नाउन हो जाएगा कार्नेलिटी। अगला है कार्निस से ही वर्ड आता है कार्नेज। कार्नेज मतलब होता है द वॉयलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ए बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों की हत्या को हम कहते हैं कार्नेज। सिनोनिम हो जाएगा ब्लड बाथ, बचरी, डेथ, होलकास्ट या फिर मैसेकर या स्लॉटर। एग्जाम्पल के तौर पर द सीन ऑफ कार्नेज वॉज इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि जो मास किलिंग का जो सीन था वो बहुत ही अनडिस्क्राइबेबल है, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर हिटलर ने बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर दी थी, सो दैट वॉज कार्नेज। ठीक है, मैसेकर, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या। अगला वर्ड है कार्निस से ही फ्लैश, री इनकार्नेशन। तो री इनकार्नेशन मतलब हो गया द बिलीव दैट आफ्टर समबडी इज डेथ दियर सोल लिव्स अगेन इन अ न्यू बॉडी, यानी कि आपका पुनर्जन्म जो होता है इसे हम कहते हैं री इनकार्नेशन। सो डू यू बिलीव इन री इनकार्नेशन, क्या तुम पुनर्जन्म में भरोसा रखते हो। वर्ब हो जाएगा री इनकार्नेट। ठीक है, सो री इनकार्नेशन आप याद रख सकते हो, बहुत बार भगवान विष्णु का अलग अलग अवतारों में री इनकार्नेशन हुआ है, इनकार्नेशन हुआ है, तो दैट इज आपका इनकार्नेशन या री इनकार्नेशन। ठीक है, अगला है आपका कार्निश फ्लैश। वर्ड आता है इनकार्नेट। इनकार्नेट का मतलब हो गया इन ह्यूमन फॉर्म टू गिव बॉडीली फॉर्म एंड सब्सटेंस टू, यानी कि एक तरीके से जन्म लेना। भगवान ने इनकार्नेशन लिया यानी अवतार लिया। द मीडिया कास्ट हिम एज द डेविल इनकार्नेट, तो उस सेंस से याद रख सकते हो, मतलब एक तरीके से मीडिया उसे डेविल इनकार्नेट कर रही है, उसे डेविल बना रही है। इनकार्नेशन, भगवान कृष्ण का इनकार्नेशन हुआ था, अवतार हुआ था, दिस इज इनकार्नेशन। अगला है आपका काम, मतलब हो जाता है सीक्रेटली। वर्ड आता है आपका क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है डन सीक्रेटली और केप्ट सीक्रेट, यानी कि बहुत चोरी छुपे धीरे धीरे किया गया हो। ठीक है, एकदम सीक्रेटली, बहुत ही, और एग्जाम में आया वो वर्ड है SSC CGL में। ठीक है, तो क्लैंडेस्टाइन मतलब हो गया बहुत चुपके से किया गया है, सीक्रेटली किया गया है। सिनोनिम हो जाएगा बैक स्टेयर्स, बिहाइंड द सीन्स, कवर्ड, फ्योरटिव, होल एंड कॉर्नर, हगर मगर। एंड एंटोनिम हो जाएगा ओपन, ओवर्ट या फिर पब्लिक। एग्जाम्पल के तौर पे अ क्लैंडेस्टाइन मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन लीडर्स ऑफ द टू पार्टीज, यानी कि बहुत ही एक सीक्रेटिव मीटिंग हुई थी दो लीडर्स के बीच में, दो पार्टी के। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन क्या हो जाता है, क्लैंडेस्टाइन याद रख सकते हो। ठीक है, तो जोर जोर से बोलकर सबको स्कीम बता दे तो नहीं बताना, यानी कि कीप इट क्लैंडेस्टाइन, कीप इट सीक्रेट। ठीक है, ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है। ठीक, और अगला वर्ड है सरप्टिशियस। तो सरप्टिशियस मतलब हो जाता है डन सीक्रेटली और क्विकली इन होप दैट अदर पीपल विल नॉट नोटिस, यानी कि चुपके चुपके से करना, जिससे कि आपको ऐसा लग रहा हो कि जिससे बाकी लोगों को नहीं पता लगेगा। सिनोनिम हो जाएंगे प्राइवेट, प्रिवी, सीक्रेट, स्नीक या स्टील्थ और अंडरकवर। एंटोनिम हो जाएंगे ओपन, ओवर्ट और पब्लिक। शी स्नीक्ड अ सरप्टिशियस ग्लांस एट हिज लैपटॉप, यानी चुपके से उसके लैपटॉप पे उसने एक नज़र फिराई। नाउन हो जाएगा सरप्टिशियसनेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये सरप्टिशियसली उसके लैपटॉप पे नज़र फिरा रही उसके उस ब्रीफ केस में। ठीक है, तो सरप्टिशियसली आप याद रख सकते हो, चोरी चोरी, चुपके चुपके। क्लियर है, सिंपल है। चलिए, सो लेट्स कीप इट टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चाहे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे 8299117042 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा
और दीज आर सम माई कोर्सेज जो कि आप अनअकैडमी प्लस पर देख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी प्लस का, सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, इट विल कॉस्ट ऑनली 5400 फॉर वन ईयर, और उसके बाद आप सारे ही टीचर से पढ़ सकते हैं जितने भी टीचर्स आपको अनअकैडमी पर दिखते हैं, ठीक है। सो यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल द टीचर्स ऑन अनअकैडमी इफ़ यू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड दीज आर सम माई कोर्सेज जो आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे इस महीने। चलिए, सो लेट्स कीप इट टिल हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगला वीडियो आपका कल आएगा, थैंक यू सो मच।